बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंतुल्स किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको माश के दही वड़े, इसको उड़द की दाल भी बोलते हैं। तो इसको मैं क्या करी, ये हाफ कप माश की दाल ली, लेके इसको 3 घंटे भिगा ली। अब इसका पानी हम निकाल कर इसमें डाल के पीस लेंगे। देखिए थोड़ा सा ग्राइंड करी थी मैं, लेकिन आप देखिए एकदम कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, थोड़ी पोरिंग कंसिस्टेंसी की तरह से भी नहीं है और हमको जैसी चाहिए वैसी नहीं है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी पानी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना इसके अंदर, थोड़ा सा ऐड करके हम इसको ग्राइंड करेंगे फिर से। देखिए मैं इसको पीस ली, इस तरह से रहना ये। उसमें 1 चम्मच और पानी ऐड करी, थोड़ा सा ऐड करना पानी, आपको देख के ऐड करना है पानी। अगर ज़्यादा ऐड करिए तो आप एक तो पीसे नहीं जाता और दूसरे ये कि आपके जो वड़े बनाते वक्त आपको मुश्किल होंगी। तो अब इसको हम फेंट लेंगे, इसको 10 मिनट तक फेंटना है कंटिन्यूसली ताकि ये अच्छे से फ्लफी हो जाए। देखिए 10 मिनट हो गए फेंटते हुए, ये अच्छा फ्लफी हो गया। इसको मैं आपको एक पानी में डाल के दिखाती हूँ। देखिए ये तैर रहा तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से फेंट गया। देखिए इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम, ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें वड़े डालेंगे। इसके लिए एक छोटे से कटोरी में मैं पानी ले ली, इसमें हम पानी में हाथ डिप करेंगे, हाथ को थोड़ा कच्चा करेंगे। उसके बाद ऐसे थोड़े से बैटर लेंगे और इसमें डाल दे जाएंगे। ऑयल को हम मीडियम लो पे तलेंगे, इसको मीडियम पे रहना ज़रूरी है। अगर आप पानी में हाथ नहीं डालेंगे तो ये जो आपके वड़े का बैटर रहेगा वो आपके हाथ को चिपकते रहेगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे, डालते ही इसको हिलाना नहीं है वरना ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो देखिए अभी भी थोड़े में जो बाद में डाली वैसे ही नज़र आ रहे होंगे आपको, तो हम उसको टच नहीं करेंगे, जो पहले डाले थे उसको टच करेंगे। और इसके अंदर ज़्यादा जितने पैन में आते हैं हमको उतने ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए, गोल्डन कलर के हो गए ये। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में पहले। अब ये प्लेट में निकाल के हम इसको थोड़ी देर बाहर ऐसे ही रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। देखिए एक बाउल में 2 कप पानी ले ली मैं, उसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच 1 टीस्पून, उसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब जो ये वड़े तल के रखे थे हम, ये वड़े इसमें डाल देंगे। अब इसको हम 10 मिनट ऐसे ही रखेंगे। देखिए ये दही जो है ये 1.5 कप है, ग्राम्स में 300 ग्राम है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे, जैसा क्रीमी कंसिस्टेंसी हो जाना है इसकी। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए मेजरिंग कप से मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही मेरे को, इसमें थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून मैं पानी और ऐड कर रही हूँ। दही हमको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रहना है। हरी मिर्ची है ये 3 हरी मिर्च ली मैं, इसको तोड़ ली, और 1 मुट्ठी हरा धनिया है। इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट है, 1 टीस्पून नमक। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए जो दही फेंट के रखे थे हम, उसमें ये हरा मसाला ग्राइंड करें सब ऐड कर देंगे। मिर्ची मैं 3 ली, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी ले सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा दही। अब ये जो वड़े हम पानी में डाल के रखे थे उसका पानी निकालेंगे ऐसे, इस तरह से पूरा पानी नहीं निकालना है, थोड़ा रखना है इसमें, फिर इसमें ऐसे डालते जाएंगे। इतना ज़्यादा भी इसको उसका पानी नहीं निकालना कि ये टूट जाए। देखिए एक तड़का पैन रख दी थी मैं, उसके अंदर हम राई ज़ीरा ऐड करेंगे,
मैं आधा चम्मच राई ली और एक चम्मच ज़ीरा ली। सूखी मिर्च ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा स्लिट करके ऐड करेंगे, नहीं तो ये उछल जाते हैं। देखिए स्टोव बंद कर दी मैं, अब करी पत्ता ऐड कर ली। अब इसको ये जो दही बड़े हम बना के रखे थे उसमें डाल देंगे और उस पर एक प्लेट या ढक्कन से इसको कवर कर देंगे। हैदराबादी माश के दही वड़े रेडी हो गए। एक बार बना कर देखिए मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आएंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।